नमस्कार, CNA चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और आज हमारे साथ है हमारी इस खास मुलाकात में वीरेंद्र सहगल जी, जो कि वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार वीरेंद्र सहगल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एक्चुअली मैं वार्ड नंबर 3 से, जो लुधियाना ईस्ट में हमारा एरिया है, 2012 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा और लोगों की मदद से, लोगों के आशीर्वाद से हम वो चुनाव जीते और मैं पार्षद पद पर 2012 में पार्षद चुना गया। हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला और पार्टी ने हमें हमारी मेहनत देखकर टिकट दिया और हम जब इलेक्शन में उतरे तो लोगों का हमें भरपूर प्यार मिला, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ। इसके लिए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र सहगल जी, आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये क्यों सोचा कि मुझे कांग्रेस में ही जाके लोगों का आगे भला करना है। उसमें एक्चुअली जो हमारे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, हमेशा ही उनका जो उनके विचार वो युवाओं को आगे लाने के रहे हैं। मैंने सोचा कि किसी और पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं जो युवाओं को हर समय, वो युवाओं के बारे में सोचते हैं और युवा वर्ग को आगे लाने की जो वकालत करते हैं। हमने सोचा कि हम कांग्रेस पार्टी में जाकर कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, जो युवाओं के बारे में ज़्यादा सोचती है, और हम अपनी तरफ से भी युवाओं को तभी आगे ला सकते हैं अगर हमें हमारे हाईकमान का पूरा सहयोग मिले, तभी हमने सोचा कि हम कांग्रेस पार्टी में रहकर ही युवाओं का भविष्य जो बढ़िया रह सकता है, और हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। अच्छा वीरेंद्र जी, ये तो हमने जान लिया कि आपकी जो सोच है युवाओं को अपने साथ लेके जाने की आगे, पर साथ हमें ये भी बताइए कि किस तरह से अपने आप में इस 4 सालों में अपने चुनावी क्षेत्र में आप जीत कर आए हो, आगे आपकी क्या, आपने क्या क्या काम अपने लोगों के लिए आपने किए हैं। देखिए पारुल जी, सबसे पहले जब हम जीत कर आए थे तो सबसे पहले हमने युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू किया। उसके लिए हमने अपने इलाके में 2-3 बार बॉडी बिल्डिंग की जो कंपटीशन करवाए और हमारे इलाके में क्रिकेट के जो टूर्नामेंट, वो भी हमने 8-10 टूर्नामेंट हमने क्रिकेट के करवाए, जिससे कि खेलों को हम उत्साहित करते हैं, अपनी तरफ से इनाम रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है इसी वजह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी हमारे पास आता है, कोई चाहे किसी की कॉलेज की फ़ीस है, चाहे कुछ भी है, किसी को भी कोई समस्या आती है चाहे, उसका हम बिल्कुल साथ देते हैं। और अगर काम बात की जाए, जो काम हम कॉरपोरेशन से करवाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले जो हमारे इलाके की समस्या, वो पीने वाले पानी की समस्या थी, हमने उसके समाधान के लिए 4 ट्यूबवेल अपनी तरफ से लगवाए हैं, जिसमें 1 ट्यूबवेल हमारे मानयोग जो MP साहब उनके कोटे से लगवाया और 3 ट्यूबवेल कॉरपोरेशन की तरफ से हमने लगवाए हैं, जिससे हमारे वार्ड नंबर 3 में जो पीने वाले पानी की समस्या है, वो काफ़ी हद तक वो समस्या ख़त्म हो गई है। उसके बाद हमने करीब 2 करोड़ की लागत से जो हमारे इलाके थे जिनमें सीवरेज की बहुत समस्या थी, हमने सीवरेज डलवाया। उससे हमें जो भी इलाके में सीवरेज जाम रहता था, छोटा सीवरेज था, हमने उसको बड़ा करवाया। 2 करोड़ की लागत उसमें आई थी, उससे भी लोगों को बहुत राहत मिली। और उसके बाद जो इलाके में हमारे कच्ची सड़कें थी, हमारा इलाका जैसा मतलब समझ सकते हैं कि वो जब कोई बाहर से आता था तो उसको ऐसे लगता था कि वो गांव में आ गया, हमने भी यही महसूस किया। इसी वजह से मैं इस लाइन में आया हूँ, पॉलिटिक्स में आया हूँ, कि हम पॉलिटिक्स में आके युवाओं को साथ जोड़ के अपने इलाके का कोई समाधान करें। और उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। हम वार्ड नंबर 3 में जो सड़कें पिछले 10-15 साल से बिल्कुल ख़राब हालत में थी, हमने कॉरपोरेशन से काफ़ी फंड लाकर हमने जो अपने इलाके की सड़कों को बढ़िया बनाया, उसमें इंटरलॉक टाइलें, सीमेंटेड सड़कें, और जैसे भी जितना भी हम कर सकते थे हम अपनी तरफ से कर रहे हैं।
विंदर सहगल जी, जिस तरह से आपने काम शुरू किया अपने, आप जिस तरह से आप लोगों की मदद करना चाहते थे और आपने कुछ काम किए भी हैं और आगे करवाना भी चाहते हैं, जिस तरह हमारी मौजूदा जो सरकार है वो भाजपा और अकाली दल की है, तो आपको क्या परेशानियों का सामना भी करना पड़ा? जी बिल्कुल, जब नया नया मैं पार्षद बना था पहले तो तजर्बे की थोड़ी कमी थी, लेकिन जो सहयोग हम अपने इलाके के MLA और हमारे जो मेयर साहब हैं उनसे चाहते थे वो सहयोग हमें नहीं मिला। फिर भी जो लोग हमारे साथ हैं उनसे हमने प्रेरणा ली, उनसे सलाह मशवरा करके हमने अपने इलाके का जो काम करवाया है उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। लेकिन अगर यही सत्ताधारी नेता हमारी मदद करते तो आज हम अपने इलाके को थोड़ा आगे ले जा सकते थे। हमारे जो मानयोग्य MP साहब रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, उन्हीं के कोटे से हमने ट्यूबवेल लगवाया और उन्होंने जो हमारे सरकारी स्कूल है हमारे वार्ड में मिडिल स्कूल है उसको भी 5 लाख रुपया उन्होंने ग्रांट दी, जिससे हमने उसके 3री मंजिल पे 2 कमरे बनवाए और बच्चों के बैठने का बढ़िया प्रबंध किया। और ये जो सत्ताधारी नेता हैं इन्होंने जब भी हमारा कोई काम होता था उसमें हमेशा ही इन्होंने कोई ना कोई अड़िक्का खड़ा किया है। मैं तो एक आपको बात बतानी चाहता हूँ कि हमारी कैलाश नगर जो सड़क थी वो 2 साल लगातार नहीं बन पाई और आखिर मैंने कमिश्नर साहब को मतलब सुसाइड करने की धमकी दी कि अगर आप सड़क नहीं बनाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, और तब जाकर उन्होंने वो सड़क हमारी शुरू करवाई और सड़क बन पाई। बहुत कठिनाइयों का सामना हमें इन विकास कार्यों के लिए करना पड़ा। वीरेंद्र सहगल जी, हम हमेशा देखते हैं कि अखबार में आप सुर्खियों में बने रहते हैं और प्रशासन के साथ आपकी टकरार बनी रहती है, इसका थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह? देखिए, जब भी कोई जनता किसी नुमाइंदे को चुन के भेजती है तो नुमाइंदे के ऊपर जो जनता की तरफ से चुना हुआ है काम करवाने का बहुत प्रेशर होता है और जनता भी यही चाहती है कि हमने जिसको चुन के भेजा है वो हमारे लिए काम करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे। हम यही कोशिश करते हैं क्योंकि जनता की ताकत हमारे साथ है, इसलिए हम मुझमें हिम्मत आती है कि हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, काम तो हम जनता के लिए कर रहे हैं। और अगर कोई अफसर हमें जनता के काम करने से मना करता है या जनता के काम करने में कोई बेवजह परेशानी खड़ी करता है तो हम कभी भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो जनता है, जनता हमेशा हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने हमें जिताकर जो कॉरपोरेशन हाउस में भेजा है, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हमें जो जनता ने जिम्मेदारी दी है हमें ये लगता है कि हम उसे पूरी अपनी तनदेही से निभाएं, इसीलिए हम चाहे कोई भी अफसर हो हम कभी अफसरों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि वो भी सरकारी नौकर हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो जनता के लिए काम करें। गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है और वो जनता की सेवा के लिए देती है, इसलिए जनता की जो भी जनता का काम है वो हम आगे भी करते रहेंगे। जनता का सहयोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए हमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। चाहे जनता का कोई भी हमारे पास आके, कोई भी लोग हमारे पास आके काम करवाते हैं, जनता के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े अब तब भी तैयार हैं, क्योंकि जनता हमें चुन के भेजती है और आगे भी अगर हम इससे बड़ा इलेक्शन कोई लड़ेंगे तो वो भी हमें जनता ही भेजेगी, इसलिए जनता के भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और वीरेंद्र सहगल जी, आपकी आगे की रणनीति क्या, आप और क्या क्या डेवलपमेंट्स आप अपने वार्ड में करवाना चाहते हैं जो कि रुकी हुई हैं किसी ना किसी वजह से? देखिए, हमारा जो सबसे पहले काम है वो है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। हमारे वार्ड में ना तो कोई डिस्पेंसरी है और जो हमारे वार्ड में स्कूल भी है वो भी मिडिल तक है। हमारी तो यही पूरी मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले एक तो जो हमारा मिडिल स्कूल है उसको हम सीनियर सेकेंडरी तक लेकर जाएं और दूसरा अपने वार्ड में कोई ना कोई हम डिस्पेंसरी बनाएं। हमारा एरिया जो वो गरीब एरिया है, लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि सिविल हॉस्पिटल हमारे एरिया से बहुत दूर है। हमारी कोशिश यही है कि जब भी हम सत्ता में आए, हम पावर में आएंगे, सबसे पहले अपने इलाके में एक डिस्पेंसरी और जो सरकारी स्कूल है उसको हम सीनियर सेकेंडरी बनाएंगे। वीरेंद्र सहगल जी, जैसे आप सत्ता की बात कर रहे हैं, पंजाब में चुनावी माहौल है और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया है, हमारा हल्का ईस्ट एरिया है, वहाँ पिछले 10 साल से अकाली दल के जो विधायक जीते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं किया है। रोज़ अखबारों में उनके जो विज्ञापन आते हैं कि हमने विकास के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाओगे, मैं तो चाहता हूँ कि आप भी वहाँ आकर देखें कि ग्राउंड लेवल पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें लोगों की तरफ से जो प्रेशर है कि आप विधानसभा के जो चुनाव लड़ो, क्योंकि जो हमने अपने वार्ड के लिए काम किए हैं, अपने पार्षद पद पे लोगों को हमसे उम्मीद है, हमें लोग फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पे हल्का ईस्ट से आप चुनाव लड़ो। और जो इलाका हल्का ईस्ट का पिछड़ गया है, जो पिछले 10 सालों से सत्ताधारी नेताओं के लिए कारण हमारे इलाके का विकास नहीं हो पाया, वो लोग चाहते हैं, लोग हमारे साथ हैं कि आप विधानसभा के इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। और दूसरी बात, अगर हमें मौका मिला पार्टी की तरफ से, जैसे कि हमारे जो नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने भी कहा है, और हमारे कांग्रेस के जो पंजाब के प्रधान हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि हम 35 से 40 सीटें युवाओं को देंगे, और अगर पार्टी मेरे पे भरोसा जताएगी तो मैं आस करता हूँ कि लोगों की ताकत से, लोगों के सहयोग से हम विधानसभा में पहुँचेंगे, और हमारे हल्का पूर्वी में जो भी विकास के काम पीछे रह गए हैं, हम उसे बहुत जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हो कि आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, उसके लिए आपकी क्या रणनीतियाँ हैं आपकी पार्टी की? देखिए, हमारे जो कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने ऐलान किया है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आने वाले 4 हफ्तों में वो नशा बंद कर देंगे, और जो नशा बेचने वाले हैं उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। जैसा कि अकाली भाजपा सरकार ने किया, नशा बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की, और जो थोड़ा बहुत नशा खाने वाले हैं उनको पकड़ के इन्होंने जेलों में डाल दिया। दूसरा, बेरोजगारी, अकाली सरकार ने ये वादा किया था अपने पिछले मैनिफेस्टो में कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो प्रत्येक बेरोजगार को 1,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बावजूद मैं समझता हूँ कि किसी भी युवा को, किसी भी बेरोजगार को वो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। हमारी सरकार ने, हमारे जो कैप्टन साहब प्रधान हैं, उन्होंने वादा किया है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है हर एक घर में एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं, उन्हें 5-5 मरले का प्लाट और साथ में मकान बनाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार आने पे जो इंस्पेक्टरी राज है, जिसकी वजह से पंजाब का व्यापार जो सारा तबाह हो गया है, हम उससे भी छुटकारा दिलाएंगे, और लोग, हमें ये उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि 2002 से लेकर 2007 तक जब कैप्टन साहब की सरकार सत्ता में थी तो पंजाब का हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे कोई होजरी व्यापारी, चाहे कोई लोहे का व्यापार करता है, चाहे कोई कलोनाइज़र है, हर एक आदमी, हर एक व्यापारी कांग्रेस के राज में खुशहाल था। और जो 10 साल अकाली दल भाजपा ने राज किया है, 10 साल में इन्होंने व्यापार का, बिल्कुल व्यापार को पंजाब में ख़त्म कर दिया है। हमें उम्मीद है कि लोग हमारी सरकार 2017 में बनवाएंगे, और पंजाब के जो सुनहरी दिन हैं वो हम वापस लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहगल जी हमारे CNI के स्टूडियो में आने का और हमसे इतनी सारी बातें सांझी करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि जहां आप चाहते हो आप उस मुकाम तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पारुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया, और हमारे जो विचार, हमारी बात लोगों तक पहुँचाने का जो आपने काम किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पारुल शर्मा को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए CNI, और अन्य खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।